हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से आर टूडे में। आज हम डिस्कस करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 523 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए, क्योंकि आज के दिन देखें तो इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर अब नीचे में जो सपोर्ट लेवल बन रहेगा वो 485 रुपीज के पास बन रहेगा। इस पॉइंट पर अब इस स्टॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। ऊपर में जो एक रुकावट रेंज है वो अराउंड 556 रुपीज पर है। 556 रुपीस पर स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है। स्टॉक ने लगभग 4 टाइम्स इस प्राइस के पास रिटेस्ट किया है, पर ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक का जो रेंज बोन में ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक का जो दायरा है वो काफी सीमित दायरे में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 508 रुपीज जो कि इस पॉइंट पर बनेगा, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 485 रुपीज, क्योंकि स्टॉक पहले भी 485 रुपीज के प्राइस को रीटेस्ट कर चुका है और यहीं से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं। ऊपर में जो एक रुकावट रेंज है वो 571 रुपीज पर है। जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग नहीं लेगा, जब तक स्टॉक के अंदर एक फ्रेश तेजी देखने को नहीं मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।